इधर अभी हम लोग रास्ता भटक गए और देख रहे हैं राजन भाई कुछ चेक कर रहे हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल लाइफ स्टाइलर अजिंक्य। और आज मैं हूँ जैसलमेर में। ये है एक कैंप, कैंप का नाम है ओएसिस कैंप एंड रिसोर्ट। तो यहाँ पे हम लोग रुके हैं, कल की नाइट यहाँ पे स्पेंड किया और आज की भी नाइट यहीं पे है। तो अभी हम निकल रहे हैं थोड़ा बहुत घूमने के लिए। जो डेस्टिनेशन है वो राजन ने बनाए हैं। राजन, कौन सा डेस्टिनेशन है यार? डेस्टिन जो है एक विलेज है जिसका नाम है कुलधर, मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है। वो है यहाँ से ओएसिस से है 43 किलोमीटर लगभग लग जाएंगे, एक घंटे के लगभग हमको लग जाएंगे। उसके बाद हम जाएंगे, उसके करीब में एक है डेजर्ट नेशनल पार्क और वहाँ पे हम घूमने वाले हैं आज के दिन। अच्छा, तो आज के दिन ये दो चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। तो चलो आपको मिलते हैं रोड के ऊपर। तो दोस्तों यही है पूरा डेजर्ट और अभी हम लोग जा रहे हैं कुंद्रा गांव। उसे एक भूतिया विलेज भी कहा जाता है। अभी हमने मेन हाईवे छोड़ दिया है। जो विलेज हमें देखने जाना है वो विलेज के टूवर्ड्स हम लोगों ने अभी राइट ले लिया है। और ये जो जगह है ये एक पूरा मुझे डेजर्ट दिखाई दे रहा है। जब भी मैं यहाँ पे आया था 6 से 7 साल पहले, वो टाइम पे मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो वाइल्ड लाइफ रहती है वो देखी थी। जैसा कि एक फॉक्स देखा था मैंने टूवर्ड्स माई लेफ्ट एंड एक हरिन का पूरा झुंड यहाँ पे ऐसे घूमते हुए मुझे दिखाई दिया था। तो अभी क्या सीन है ये रोड का पता नहीं मुझे, क्योंकि रोड बहुत ब्रॉड हो गया। वो टाइम पे रोड एकदम छोटा था, यहाँ पे कोई ज़्यादा लोग आते नहीं थे। अभी मैंने बहुत सारे टूरिस्ट व्हीकल भी देख लिए ये रोड के ऊपर। तो पता नहीं यार अभी क्या सीनरी होगा, कुछ दिखेगा या नहीं, बट स्टिल मैं स्पॉट करने की कोशिश करूँगा अपने तरफ से जितना हो सके उतना। इधर अभी हम लोग रास्ता भटक गए और देख रहे हैं राजन भाई कुछ चेक कर रहे हैं। चेक कर रहे हैं यार, टू व्हीलर ऑप्शन, टू व्हीलर मत रख, फोर व्हीलर बाइक था यार। सिटी मारेगा बिजली घर। बिजली घर कितना किलोमीटर पे? 3 किलोमीटर। हाँ, बिजली घर मीटर से 4 चौराहा है, सीधा जाएगा। हाँ, एक इधर से आएगा, इधर जाएगा वो। हाँ, वो कुलधरा। अच्छा, अच्छा, यहाँ से रास्ता ठीक नहीं है। ये रास्ता आई नहीं है, रास्ता नहीं है, ढोनी है कोई राइट कौन। अच्छा, इधर रास्ता नहीं है, ये रास्ता ढोनी है इसी लाइन। चल फिर घुमा ले, चल। कहाँ के हो? मुंबई। अच्छा, क्या पहले देख लिया? नहीं तो आगे तो रास्ता ही नहीं है, ये क्या है? तो जिस तरह से वो घोड़े वाले ने बताया था कि एक चौथरा आएगा, एक इधर और एक इधर, तो इधर से तो हम लोग आए हैं और अभी यहाँ से भी आए, सो दैट यही राइट होना तो चाहिए, यही राइट है। ओके, चल 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 चल। बाय। फाइनल रोड के ऊपर बोर्ड दिखा कुलधरा। पर पर्सन 10 और पर व्हीकल 50। जैसलमेर विकास समिति। अरे बाप रे, इतना छोटा लाइन के ऊपर से गाड़ी चला रहा हूँ, क्या क्या कर्तव्य कर रहा हूँ मैं राजस्थान में।
चलो पहुंच तो गए यहाँ पे, गाड़ी को लगा दिया। अभी मैं हूँ वो विलेज का इनसाइड, ऐसा कुछ है ये, शायद से ये न्यू कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, बट वहाँ पे अंदर जो दिखाई दे रहे हैं वो मुझे एक्चुअली ओल्ड हाउसेस दिख रहे हैं। तो हम अभी पहुंच गए ये घर के इधर, इसे मोस्ट हॉन्टेड घर का दर्जा मिला है और जस्ट अभी उन्होंने उसके ऊपर काम किया हुआ है, वर्कर्स लोगों ने, जो कि दिख रहा है। सो आपको अंदर जाके पूरा सब कुछ दिखा देता हूँ। नाउ अभी मैं आपको ये चीज़ के बारे में बता देता हूँ, ये जो डोर है ये इतना छोटा दिख रहा है आपको, जिसमें से हमारे हाइट जैसे लोगों को झुक के फिर अंदर जाना पड़ेगा एंड देन उसके अंदर रहेगा ये ऐसे बड़ी चीज़। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि अगर सपोज कोई अटैक करता है आपके घर के ऊपर तो ये रूम में आके आप छुप जाओगे, और ये जो छोटा डोर है, ये छोटा डोर होने की वजह से अगर कोई भी एनिमी आ रहा रहेगा तो उसे झुक के आना पड़ेगा, और यहाँ पे ये जो आप दिख रहे हो यहाँ पे कोई तो एक बंदा खड़ा हो जाएगा हाथ में तलवार लेके और फिर सीधा कट। तो होप सो आपको समझ में आ रहा है मुझे क्या बताना है, अभी पता नहीं आपको एक्सप्लेन कर पाया या नहीं, बट स्टिल इट्स ओके। सो दोस्तों ये जो भूतिया विलेज था वो देख के हो गया है, एंड नाउ अभी हम लोग जाएंगे अपने जो रिसॉर्ट है वहाँ पे। सेम रोड है तो दिखाने में कुछ पॉइंट नहीं बनता, सो आपको मिलता हूँ सीधा जाके रिसॉर्ट में। अभी करेंगे कैमल राइड, डेजर्ट सफारी छोटा मोटा। अभी उठते टाइम क्या क्या होगा? तो मैं आ गया हूँ रेत के टीले के इधर, इसमें कुछ अच्छे अच्छे शॉट्स रिकॉर्ड किए वो आपको दिखा दूंगा। और जो जैसलमेर का मेन चीज़ है वो है यहाँ का सनसेट। तो अगर आप जैसलमेर आ रहे हो और आप रेत के टीले के ऊपर बैठ के सनसेट नहीं देख रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा मिस कर दोगे ये प्लेस के बारे में। तो अभी मैं वही करने वाला हूँ, कल भी मैं यही करना था मुझे बट वो नहीं हो पाया, सो दैट्स व्हाई मैंने एक दिन यहाँ पे एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। तो सनसेट हो रहा है रेत के टीले के ऊपर, मैं बैठ के अभी मजे लूँगा, इसीलिए मुझे यहाँ पे सनसेट देखना था। मस्त रेत के टीले में बैठा हूँ और टाइम लैप्स लगाए हैं यहाँ पे एंड सनसेट का मज़ा ले रहा हूँ, ये सबसे अच्छी फीलिंग है। ये सबसे नॉर्मल वाला टेंट है, फिर ये जो है ये थोड़ा मीन्स हायर लो, ये मीडियम एंड ये मोस्ट एक्सपेंसिव। सो दिस इज मोस्ट एक्सपेंसिव। इसे स्वीट भी बोल सकते हो आप, इसका बाथरूम भी बहुत बड़ा रहेगा।